हेलो दोस्तों, मैं आपका बाबा फिर से आ गया हूँ थाल और बाबा आपके साथ। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद करने, क्योंकि आज हमारे 1K हो गए हैं हमारे सब्सक्राइबर और व्यूज़ आ गए हैं हमारे करीब 1 लाख, उसके साथ साथ पहुँच चुका हूँ। इतने कम समय में आप लोगों के प्यार और आप लोगों के साथ से मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, तो मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आप लोगों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने इतने कम समय में मुझे 2 महीने से पहले आपने इतनी बड़ी उपलब्धियाँ YouTube में दे दी है, और शायद ये आप लोगों का प्यार के कारण ही संभव हो पाया, वरना तो मैं खुद भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि मैं इतना अभी इतना सक्षम और इतना काबिल नहीं हुआ हूँ कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लेकिन आपके प्यार और आपके इससे मेरा मनोबल काफ़ी बढ़ रहा है, और ये सब चीज़ें मैं आप लोगों से इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं इस समय बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सभी भाई लोग, दोस्त लोग काफ़ी खुश और अंदाज में चल रहे हैं। अब मैं इस बार कहना चाहता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कहना चाहूँगा आप लोगों का, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और अभी मैं बना रहा हूँ आपकी जल्दी एक और वीडियो जिसमें हम लोग साथ में मिलेंगे, देखेंगे करते हैं कैसा रहता है हमारा आगे का सफ़र। हम आपके प्यार और का मैं हमेशा आकांक्षी रहूँगा, और आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप लोग यूँ ही हमें सब्सक्राइब करते रहिएगा। जय श्री राम। सभी को इतने बनने वाले श्री राम जन्मभूमि की स्थापना की मैं बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद करना चाहूँगा। जय श्री राम। हाँ दोस्तों, जय श्री राम। हम आ चुके हैं कालू सिद्ध मंदिर नैनीताल रोड पे, जो स्थित है हमारे हल्द्वानी पर। मेरे साथ है हमारे मित्र तरुण भाई और मैं, और हम लोग रह रहे हैं यहाँ पूजा के लिए सामग्री। ये देखिए तरुण भाई, उन्होंने भी करा ली है पूजा का प्रसाद पैक, और मैंने भी। यहाँ पर कालू सिद्ध मंदिर में चढ़ाया जाता है गुड़ की बेली, और चुन्नी माता जी की, शनिदेव जी भी यहाँ विराजमान हैं, तो उन सभी देवताओं के लिए हम लोगों के लिए पूजन पहुँचे हैं। यहाँ पर गुड़ की बेली चढ़ाई जाती है बाबा जी को, और इसको चढ़ाने के बाद हमने लिया पंडित जी से टीका लगाने के बाद आशीर्वाद। और ये देखिए यहाँ मंदिर का भव्य नज़ारा, काफ़ी शीतलता और आनंदमय सुकून। यहाँ पर आने के बाद मिलता है मंदिर में दर्शन करने का एक अपना ही आत्मिक शांति का एहसास होता है। और यहाँ आने के बाद मानसिक रूप से काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है मुझे। अभी हमारे पंडित जी बिल्कुल टीका लगाएंगे, और प्रभु के पास सब चीज़ें जीवन में मंगलमय हो रही हैं। और ये शुभ समाचार तो हम सभी को पता है, कल अयोध्या में राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये देखिए छोटी सी बच्ची जय श्री राम के नारे लगा रही है।